إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कद फा दफाउदन अदीमा हर तरह की तारीफ उस अल्लाह रबुलामीन के लिए लायक और जेबा जो सारे ज़हान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है रज़ है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर ख़ुसूसन आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके उम्मती होने का हम आपको शर्फ़ हासिल हुआ है मोहतरम हाजरीन तोहीद के फवाद और शिर्क के ख़तरनाक नतज के बाद आज के खुतबे में उम्मत मुहम्मदिया के फ़ाइल क्या हैं उनकी फ़जीलतें क्या हैं दुनियावी और उखरवी इस सिलसिले में गुफ्तु करने की कोशिश करूँगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली हम तमाम को उन फसाइल को हासिल करने की उसकी तगोद करने की तोफ़ी इनायत फरमाए जब से ये दुनिया बनी है अल्लाह तबारक व तौने ने बहुत सारे नबियों रसूलों पैगम्बरों को भेजा उनकी उम्मतें भी थी लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने किसी की किसी भी नबी की उम्मत को बेहतरीन उम्मत नहीं कहा यह शर्फ सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया को मिला है अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा है अल्लाह ने फरमाया कुन तुम खैर उम्मन उखर जत नाश ताम बिलमूफ व तनहऊ अनिल मुनकर तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया तुम भलाई का हुक्म देते हो बुराई से रोकते हो अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इस से मालूम हुआ कि दुनिया में जितनी उम्मतें आई हैं तमाम उम्मतों में सबसे अफजल सबसे बेहतर अगर कोई उम्मत है तो वो कौन सी उम्मत है उम्मत मुहम्मदिया, ये शर्फ़ हमें और आपको हासिल है लेकिन ये शर्फ ये फजीलत कब मिलेगा जब हम उसके शराइ को पूरा करेंगे अमर बिल्माफ नहीं अनिल मुनकर और ईमान बिल्ला इसी तरीके से अल्लाह तबारक वा ने जितने नबियों को भेजा उन तमाम नबियों पर दीन को मुकम्मल नहीं किया हैत नू स्लम से लेकर के हजरत ईसा सलातम तक जितने नबी आए तमाम नबियों की दावत तो एक ही थी एक अल्लाह की इबादत करो लेकिन उनकी शरीयें मुख्तलफ थी क्यों इसलिए कि हर नबी के बाद एक दूसरा नबी आने वाला था हर शरीयत के बाद एक दूसरी शरीयत आने वाली थी हर किताब के बाद एक दूसरी किताब आने वाली थी वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आखिरी किताब कुरान मजीद है और वो आखिरी शरीयत शरीत मोहम्मदिया है तो वो सिलसिला जो हैत नू स्लम से हजरत आदम से शुरू हुआ था हमारे नबी पर आ करके ख़त्म हो गया अल्लाह ने फरमाया अकमल तो लकुम दीनकुम आत्मम तोम नती व रज़ी तो लकम्सम दीना आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया तुम पर अपनी नमतों को मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया मालूम ये हुआ कि वो जो दीन जो है आदम्सम से शुरू हुआ था कहाँ आकर खत्म हुआ अल्लाह के नबी पर ये इस उम्मत की फजीलत है कि इस उम्मत को मुकम्मल तौर पर दीन दिया गया है हैत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तैाल के दौरे खिलाफत में एक यहूदी आलिम उमर बिन ख़ाब रजी अल्लाह तै के पास मिलने आया और कहा कि आपकी किताब कुरान मजीद में एक आयत ऐसी है कि अगर वो आयत हमारे यहाँ होती तो उस आयत के नज़ूल के दिन को हम ईद का दिन बना लेते उमर बिन खताब रजी अल्लाह तै ने पूछा वो कौन सी आयत है तो उस यहूदी आलिम ने कहा यही अलकमल तोल दीन कम व तमम तोम नजी तोलामदीना हैत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तहु ने कहा हमें मालूम है ये आयत कब नाजिल हुई अरफा का दिन था अरफा का मैदान था जुमा का दिन था अल्लाह के रसूल वसल्लम खुतबा दे रहे थे और उसी वक्त इस आयत का नज़ुल हुआ मालूम यह हुआ कि यह ऑलरेडी पहले से हमारे लिए ईद का दिन है अरफा का दिन है अरफात के मैदान में यह आयत उतरी है मालूम ये हुआ कि दीन की तकमील इस उम्मत पर हुई है इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताली ने इस दीन में बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं इससे पहले जो अधान थे उसमें बड़ी सख्तियाँ थीं लेकिन अल्लाह तबारक ताली ने इस उम्मत के लोगों के ऊपर एहसान किया दीन को आसान बनाया अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में बार बार इसका जिक्र किया फहल निक्रिफल मम्मिर हमने कुरान को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने वालों के लिए है कोई नसीहत हासिल करने वाला दीन वन दीन आसान है ये सबसे आसान दीन है ये फितरत के आन मुताबिक है दीन का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जो इंसान ये कह सके कि यह हमारे बस में नहीं दीन को बहुत आसान अल्लाह ने बनाया अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ अल्लाह ताला ने तुमको चुन लिया है इससे पहले बहुत सारी उम्मतें आई लेकिन उन तमाम उम्मतों में उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने चुन लिया हुआज उसने तुमको चुन लिया है ज़ाला अलैकुम फिदीन मिन हरज और तुम्हारे दीन में किसी तरह की कोई सख्ती नहीं पैदा किया सुर हज में है सुर निसा में है युरीदिफान अनकुम अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे बोझ को हल्का कर दे वुल कल इंसान इंसान कमजोर पैदा किया गया उसकी कमजोरी का ख्याल करते हुए दीन को अल्लाह ताला ने आसान बनाया है सूरह बकरा में फरमाया इन अल्लाह यीद बिकुमुल योसर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है वला यीद बिकुमुल असर वो तुम्हारे लिए सख्ती नहीं करना चाहता चुनांचे अगर हम आसानियों पर गुफ्तगू करें तो जुमा का वक्त नाकाफी होगा दो इशारा करके मैं अपनी बात आगे बढ़ा देता हूँ रमज़ान के महीने में रोजा रखना फर्ज है लेकिन अल्लाह तबारक वाले ने इस उम्मत के ऊपर एहसान करते हुए क्या फरमाया फमन का निन कुमरी अमिन ओखर अगर रमज़ान के महीने में कोई बीमार हो गया या मुसाफिर है तो अल्लाह ने उसको रुख्सत दी है कि वो रोजा छोड़ दे बाद में रोजा रख लेगा कितनी बड़ी आसानी है इतनी बड़ी सहूलत है तो अल्लाह तबारक वाले ने इस तरह से उम्मत को आसानियां पैदा की हैं इससे पहले जो उम्मतें थी बनी इसराइल के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सस ने फरमाया कि वो पेशाब करते थे अगर पेशाब का छींटा या पेशाब का कतरा अगर कपड़े में लग जाए तो उस कपड़े को कैंची से काटना पड़ता था सही मुस्लिम की एक हदीस है कि अगर जिस्म पर भी लग जाए तो वो चमड़े को भी कैंची से काटना पड़ता था अगर ये मुसीबत हमारे ऊपर होती तो हमारी क्या हालत होती प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस उम्मत पर अल्लाह ताला ने एहसान किया इस सख्ती को उठा लिया और कहा कि अगर तुम्हारे कपड़े में पेशाब लग जाए पानी से धो लो साफ हो जाएगा तुम्हारे जिस्म पर अगर पेशाब लग जाए कपड़े कपड़े पर जिस्म पर पानी से धो लो साफ हो जाएगा अल्लाह ताला ने कितनी सहूलतें की हैं ये दो इशारे करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ इसी तरीके से इससे पहले जो उम्मतें थीं उन उम्मतों के लिए गनीमत का माल जायज़ नहीं था गनीमत किसे कहते हैं दुश्मन से मुकाबिला करने के बाद दुश्मन से जो माल हासिल होता है उसको गनीमत कहा जाता है इससे पहले जो उम्मतें आईं वो गनीमत का माल जो दुश्मनों से हासिल होता है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जंग के बाद गनीमत के माल को इकट्ठा किया जाता था आसमान से आग आती थी और खा लेती थी अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत पर एहसान किया दुश्मन से लड़ने के बाद जो गनीमत का माल मिलता है वो मेरी उम्मत के लिए हलाल है और अल्लाह के नबीसम ने मालिक गनीमत अपने सहाबा के दरमियान तकसीम भी किया इसी तरीके से मिट्टी को पाकिजगी हासिल करने का तैम करने का जरिया बना दिया आपको वजू करना है नहाना है पानी की जरूरत है बीमार हैं वजू नहीं कर सकते हैं पानी नहीं छू सकते हैं नहा नहीं सकते हैं आप मिट्टी से तैम कर लीजिए गसल के लिए भी काफ़ी होगा वजू के लिए भी काफ़ी होगा अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है इसी तरीके से अल्लाह के नबी ससम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पूरी जमीन को मेरी उम्मत के लिए सजदागाह बना दिया आप सफ़र कर रहे हैं सफ़र में कहीं कोई मस्जिद नहीं मिल रही है नमाज का वक्त हो गया आप जहां हैं वहीं नमाज पढ़ लें ट्रेन में हैं वहीं नमाज पढ़ लें हवाई जहाज में हैं वहीं नमाज पढ़ लें पूरी जमीन पूरी दुनिया इस उम्मत के लिए मस्जिद बना दी गई है उसके लिए आपको मस्जिद में ही पहुंचना ज़रूरी नहीं है जबकि इससे पहले उम्मतों के लिए जरूरी था कि जब उनकी इबादत का वक्त हो तो अपने इबादत गाह में पहुंचें और वहीं नमाज पढ़ें अल्लाह ने कितना एहसान किया लेकिन यह आम हालतों में नहीं है जब आप घरों में रहेंगे और सेहत और सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं तो आपको जमात की नमाज के लिए मस्जिद में आना ज़रूरी है ये अलग मौजू है इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो इस उम्मत के ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं उसमें से एक एहसान ये है कि भूल चूक अगर हो जाए वसवसे पैदा हो जाए अल्लाह उस पर मुआजा नहीं करता इंसान के दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं शैतान मुख्तफ किस्म के शकु को शबहत पैदा कर देता है इसके बारे में उसके बारे में अल्लाह इस पर मुआजा नहीं करता है पहले नबी ने फरमाया, तजावजी तजावज़ अन फुसहा तबारक वाले ने मेरी उम्मत के ऊपर से उन तमाम चीज़ों को हटा दिया है जो उसके नफ्स में उसके जी में पैदा होता है मालम तमल अवतः तकम जब तक कि उस पर अमल ना करे या गुफ्तगु ना करे किसी के ताल्लुक़ से आपके दिमाग में कोई बात आ गई शैतान ने पैदा कर दिया अल्लाह माफ़ करेगा लेकिन अगर आपने उस पर अमल किया तो वो माफ़ नहीं होगा आपने किसी से बताया गुफ्तगु की तो माफ़ नहीं होगा शकूक व शुभहात जो पैदा होते हैं जिसको अमल में नहीं लाया जाता है वो माफ है लेकिन जब अमल में ले लाया जाए और उसको बात किया जाए गुफ्तु किया जाए तो वो माफ़ नहीं होता है इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमा हकत तजा वजली अनुम्मती अलसी व मस्तुक रू आलही बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से ऐसी चीज़ों को रफा कर दिया है माफ़ कर दिया है अल खता खता से आप आपसे कोई गलती हो गई जानबूझकर आपने नहीं किया है अल्लाह माफ़ करेगा हुआ खजा किस पर होता है जानबूझकर जो गलती की जाती खता पर माफ है यही वजह है कि अल्लाह के नबी के पास साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसुल कभी रमजान के महीने में हमें याद नहीं रहता है हम खा लेते हैं हम पी लेते हैं अल्लाह के नबीसम ने फरमाया तुम अपने रोज़े पूरे करो ये खता है तुम्हें मालूम नहीं था निशियान है अल्लाह ने माफ किया है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने खता को माफ किया निशियान भूल चुक उसको भी अल्लाह ने माफ किया है वस्तुक आलई ही और जिस पर मजबूर किया जाए यानी कोई गलत काम आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी है हालात ऐसे हैं कि आपको वो करना पड़ता है अब अब जो हालात हैं मुख्तलिफ के एक मिसाल चूंकि हालात हैं इसलिए मैं देता हूं आपको चंद लोगों ने घेर लिया मब लिंचिंग और आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप आप कोई गलत जुमला अपनी जुबान से निकालें कोई नारा आप लगाएं आप नहीं चाहते हैं लेकिन जान का खतरा है मजबूर हैं आप अल्लाह तबार को तारा माफ करेगा जान की हिफाजत करना मजबूर कर दिया गया है इंसान भाई मजबूरी में तो सारी चीजें जायज हो जाती हैं तो अल्लाह तबार व तआला ने इस उम्मत के ऊपर एहसान करते हुए खता को निस्यान को और मजबूरियों को माफ कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत की जो बहुत सारी फजीलतें हैं उसमें एक फजीलत यह है कि यह उम्मत एक साथ हिलाक नहीं होगी अल्लाह तआला का अजाब आया हैत नूल की पूरी कौम हिलाक हो गई अल्लाह तला का आजाब आया कौम आत पूरे के पूरे हिलाक हो गए अल्लाह का आजाब आया कौम समूद पूरे हलाक हो गए अल्लाह का आजाब आया लूत की बस्ती उठाकर पलट दी गई पूरी, पूरी की पूरी कौम हिलाक हो गई लेकिन उम्मत मोहम्मदिया मुकम्मल तौर पर हिलाक नहीं होगी मुसीबतें आएंगी परेशानियाँ आएंगी कुछ जगहों पर कुछ लोगों को सताया जाएगा मारा जाएगा लेकिन पूरी उम्मत हिलाक हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है प्यारे नबी ससनम फरमाते हैं इस सिलसिले में दो हदीसें हैं एक सोना नसाई की है एक सही मुस्लिम की है सोना नसई की जो हदीस है उसमें अल्लाह के नबी ससन फरमाते हैं मैंने अपने अल्लाह से तीन चीजें मांगी तीन चीजें मांगी दो चीजों को अल्लाह तला ने कबूल कर लिया और एक चीज को रद्द कर दिया पहली चीज जो मैंने मांगी थी ए अल्लाह मेरी पूरी उम्मत एक साथ हलाक ना हो तो अल्लाह ताला ने इसको कबूल कर लिया कहा हाँ आपकी उम्मत को मुकम्मल तौर पर हम एक साथ हलाक नहीं होने देंगे यह अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि पूरी उम्मत एक साथ हलाक नहीं हो सकती है दूसरा सवाल आपने किया था कि अय अल्लाह मेरी उम्मत पर किसी दुश्मन का गलबा ना हो पूरी उम्मत पर हाँ किसी मुल्क में किसी शहर में किसी स्टेट में हमारे ऊपर कोई गालिब आ सकता है लेकिन कोई आदमी पूरी उम्मत पर गालिब आ जाए ऐसा नहीं हो सकता पूरी उम्मत पर कोई गालिब आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है एक जगह गालिब है एक जगह मगलूब है पूरी उम्मत को कोई अपनी कंट्रोल में नहीं ले सकता यह अल्लाह का करम है और तीसरी दवा दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि आए अल्लाह मेरी उम्मत में इख्तलाफ ना हो फिर ना हो तो अल्लाह ताला ने यह दवा ये दुआ, दुआ रद्द कर दिया और आज इलाफात और इंतशार देख रहे हैं ये न सई की हदीस है सही मुस्लिम की जो रवायत है उसमें अल्लाह के नबी सम तीन सवाल किए थे अय अल्लाह मेरी उम्मत को कहत साली से हिलाक मत करना यानी पूरी उम्मत एक साथ कहत का शिकार हो जाए जैसा कि पहली उम्मतों को हुआ है ऐसा नहीं करना तो अल्लाह तला ने आपकी इस दुआ को कबूल किया ये पूरी उम्मत कभी भी कहत से हिलाक नहीं होगी दूसरी दुआ आपने की थी कि अय अल्लाह मेरी उम्मत को पूरी उम्मत को कभी गर्क करके डुबो करके मत हिला करना अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को भी कबूल किया और तीसरी दुआ आपने की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत में आपस में इख्तलाफ ना हो इंतशार ना हो तो अल्लाह ने यह दुआ रद्द कर दिया दोनों हदीसों में एक दुआ रद्द की गई है कि इख्तलाफ और इंतशार इसलिए आप देखते हैं कि उम्मत के अंदर इख्तलाफ़ और इंतशार है ये दुआ अल्लाह की वसल्लम की अल्लाह ने कबूल नहीं की थी इसी तरीके से इस उम्मत की जहां बहुत सारी फजीलतें हैं एक फजीलत यह है कि यह उम्मत मुकम्मल तौर पर गुमराह नहीं होगी जरा गुमराह है जरा हिदायत पे है जरा गुमराह है जरा हदायत मुकम्मल तौर पर गुमराह हो जाए ऐसा नहीं हो सकता यह उम्मत मुकम्मल गुमराह नहीं हो सकती है प्यारे नबी ससरों ने उम्मती हजारा उम्मीती अला तबारक ने मेरी उम्मत को महफूज रखा है ये मेरी उम्मत कभी भी जलालत और गुमराही पर इकट्ठा नहीं हो सकती है अगर कोई जलालत और गुमराही का मामला है तो कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे इस हदीस के को समझने के लिए हम उस हदीस को समझें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक एक हिस्सा एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा लोगों का जुल्म लोगों का तशद लोगों की मुखालिफत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा वो कयामत तक हक पर कायम रहेंगे अल्लाह की मदद उनको शामिल हाल होगी इमाम अहमद इबन रहमतुल्लाह रहमत कहते हैं अगर वो अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई और फिरका हो सकता है कोई और जमात हो सकती है मेरे भाइयों उम्मत मोहम्मदिया में भी अगर किसी जमात को फजीलत हासिल है तो हमें यह फख्र है कि वह जमीयत अहल हदीस को है यह अहल हदीस को है इसलिए कि हमारा तुर्रे इम्तियाज़ है कि जब हम गुफ्तु करते हैं तो या तो रब के कलाम के साथ करते हैं या तो नबी के फरमान के साथ कर सकते हैं हमारे यहाँ बुजुर्गों के अखबार किस्से कहानियाँ और ख्वाबों की ताबीर ये सब नहीं है यहां या तो अल्लाह की बात होती है या तो रसूलुल्लाह की बात होती है और यह उम्मत पर एहसान है कि अहल हदीस जिंदा है और यह इस बात यह हदीस इस बात की तरफ इशारा है कि कयामत की सुबह तक अहले हदीस जिंदा रहेंगे ताकि उम्मत की रहनुमाई करते रहें लोग जो अहले हदीसों को दुश्मन समझते हैं वो अपने अपने नजरिए को बदलें इसलिए कि अगर अहले हदीस हैं तो यह उम्मत बाकी है अगर अहले हदीस हैं तो ये दुनिया बाकी है जिस दिन अहले हदीस नहीं रहेंगे ना यह उम्मत रहेगी ना ये दुनिया रहेगी ये नबी वसल्लम का फरमान है मेरी उम्मत मुकम्मल तौर पर गुमराह नहीं हो सकती है मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी जिसकी मुखालिफत करने वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आज पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है आज कुफार भी दुश्मन है मुशरकिन भी दुश्मन है यहूद भी दुश्मन है हनूद भी दुश्मन है नसारा भी दुश्मन है और अपने भी दुश्मन हैं लेकिन अलहमद इसके बावजूद भी हम जिंदगी जी रहे हैं और शान के साथ जी रहे हैं रोशनी गर खुदा कोहो मंजूर आंधियों में चराग जलते हैं यह अल्लाह का वादा है अल्लाह जमीन पर ऐसे लोगों को जिंदा रखता है जो डेंके की चोट पर हक बात कह सकें अल्लाह का करम है मेरे भाइयों बहुत सारे लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हुए शर्माते हैं दूसरे लोग दूसरों की निस्बत करते हुए फख्र महसूस करते हैं और जिसकी फजीलत कुरान और हदीस में है वो अपने आप को अहले हदीस कहते हुए शरमाए नजरिया बदलो मेरे भाइयों इसी तरीके से यह उम्मत उम्मत मरहूमा है अल्लाह ताला ने इसकी बहुत सारी गलतियों को यूं ही माफ कर दिया अल्लाह ने इस उम्मत पर खसूसी तौर पर रहम किया है वो हदीस याद करें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मोमिन बंदा उसके पैर में एक मामूली कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है कितनी बड़ी फजीलत है बुखार आता है उसके जरिए से अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है मुसीबतें परेशानियां आती हैं अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है यह उम्मत उम्मत मरहुमा है प्यारे उम्मती मेरी उम्मत ही उम्मत मरहुमा ये मरहुमा उम्मत है फिल अल्लाह तला आखरत में इसको अजाब नहीं देगा अजाब फिद दुनिया फितन व जलाजिल दाऊद की रवायत है दुनिया में इस उम्मत के ऊपर फितने आएंगे इनका आजाद यही दुनिया का फितना है फितने रोज नए फितने हर घड़ी हर लम्हा एक नया फितना उन फितनों से अपने आप को बचाइए, फितनों में रोल मत अदा कीजिए अल्लाह के नबी फरमाया कयामत के दिन कयामत के करीब फितनों पर फितने होंगे सुबह में एक फितना शाम में एक फितना और जब फितनों का सिलसिला शुरू होगा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा मुख्तलिफ मिसालें प्यारे नबी ने दी हैं एक हदीस में आपने फरमाया मैं देख रहा हूँ फितने तुम्हारे घरों में पानी के कतरात की तरह टपक रहे हैं एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा फितना आएगा कि ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा आदमी सुबह को मोमिन रहेगा शाम को काफिर हो जाएगा शाम को मोमिन रहेगा सुबह को काफिर हो जाएगा बह ईमान का सौदा करने वाले कैसे फितने आ रहे हैं प्यारे नबी नबीसलम ने फरमाया फितने चटाई की तीलियों की तरह से रूनुमा होंगे जिस तरीके से धागे में चटाई की तीलियों को बुना जाता है अगर उस धागे को काट दिया जाए तो एक एक करके तीली निकलती रहती है ऐसे एक एक फितने निकलते रहेंगे आदमी किसी फितने में मुबतला होता है सोचता है ये फितना खत्म हो जाए तो सुकून मिलेगा बाद में आने वाला उससे बड़ा फितना रहता है आज हम देख रहे हैं अगर फितनों की तफसील अलग से किसी मौका पर इंशाला हम आपको बताएंगे इस उम्मत की जहां बहुत सारी फजीलतें हैं एक फजीलत यह है कि इस उम्मत की सफों को अल्लाह ताला तो ने फरिश्तों की सफों की तरह बनाया जिस तरीके से हम नमाज में सब बनाकर खड़े होते हैं जंग के मैदान में सब बना करके खड़े होते हैं प्यारे नबी ने फरमाया ये सफ़ाएं फरिश्तों की सफों की तरह फरिश्तों की सफों की तरह हैं हजैफा बिन यमान रजी अल्लाह तला कहते हैं सही मुस्लिम की हदीस है रसूलुल्लाह रसूल ने फरमाया तीन चीजों की वजह से मेरी उम्मत को आम उम्मतों पर बरतरी मिली है पहली सिफत यह है कि इसकी सफ़ें फरिश्तों की सफ़ों की तरह इसीलिए अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया कि खूब मिलकर खड़े हुआ करो जैसे फरिश्ते खड़े होते हैं इसी तरीके से दूसरी सिफत यह है कि पूरी जमीन मस्जिद बना दी गई है जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाए सफर में हैं बीमार हैं परेशान हैं वहीं पर नमाज़ पढ़ लें इसी तरह मिट्टी को तहारत का जरिया बना दिया अगर आप सफर में हैं पानी नहीं मिला आप तैमूम कर लें बीमार हैं पानी नहीं छू सकते हैं तैमूम कर लें पानी नहीं मिल रहा है नमाज का वक्त निकल रहा है तैमूम करके नमाज पढ़ लें इसी तरीके से अल्लाह के नबी अहमद इब हमल की हदीस है आपने फरमाया कि सूर बकरा की आखिरी दुआतें आमन रसूल बीमा दिलान आखिरी दुआतें ये अल्लाह के अर्श के नीचे जो खजाने हैं उन खजानों में से हमको मिली है हमारी उम्मत को मिली है इससे पहले उम्मतों को यह आयत नहीं मिली और इसकी फजीलत अल्लाह के नबी बहुत फजीलत बताई है जिसमें से एक फजीलत आपने फरमाया मन कर आयतनी मिन आखिरी सूरत बकर अगर कोई शख्स रात में सोने के वक्त अपने बिस्तर पर पहुंचने के बाद सूर्य बकरा की आखिरी दोनों आयतें पढ़ ले कफाता तो उसके लिए काफी हो जाएंगी जब बिस्तर पर सोने के लिए आए आमन रसूल बीमा मिरोमिन ये दोनों आयतें पढ़ लें अगर तहजुद नहीं पढ़ लेंगे तो तहज का स्वाब मिलेगा दूसरी दुआएं नहीं पढ़ेंगे स्वब मिलेगा अल्लाह तानो माल की हिफाजत फरमाएगा तो इस तरीके से ये दोनों आयतों की बड़ी फजीलत है इसी तरीके से इस उम्मत की जो बहुत सारी फजीलतें हैं वो एक फजीलत ये है कि इसको उम्र कम मिली है लेकिन अल्लाह ने बरकत बहुत दी है पहली की उम्मतें हज़ार साल दो हज़ार साल कितनी जीती अल्लाह के नबिस मेरी उम्मत की उम्र साठ से सत्तर के दरमियान है साठ से पहले भी कोई मर सकता है 70 सत्तर के बाद भी जिएगा लेकिन अमूमी तौर पर साठ और सत्तर के दरमियान है वसल्लम ने इसकी मिसाल यूं भी फरमाई कि सूरज आफ्ताब जब निकलता है और जब गुरूब होता है असर तक का वक्त खत्म हो चुका है तो तुलुए आफ्ताब से असर तक सारी उम्मतें आके चली गई असर से मगरिब तक का जो वक्त है ये मेरी उम्मत का है कितना कम हमको वक्त मिला लेकिन अल्लाह ने बरकत बहुत दी है लैलतुल कद्र हमें मिली हरम शरीफ में नमाज पढ़ने का एक लाख स्वबाब प्यारे वसल्लम की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का एक हज़ार स्वबाब और बहुत सारी फजीलतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिसाल आपने दी सही बुखारी की हदीस है कि हमारी उम्मत और अगली उम्मतों की मिसाल ऐसी है एक शख्स ने लोगों को मजदूरी पर रखा कहा कौन है जो तुलुए आफ्ताब से दोपहर तक मजदूरी करेगा उसको एक कीरात मिलेगा यहूदी खड़े हुए कहा हम करेंगे चुनाच उन्होंने तुलुए आफ्ताब से दोपहर तक मेहनत की उनको एक कीरात मिल गया फिर उस, उस शख्स ने ऐलान किया कौन है जो दोपहर से लेकर के असर तक मेहनत करेगा उसको उजरत में एक की मिलेगा ईसाई खड़े हुए उन्होंने मेहनत की उनको भी एक किरात मिल गया फिर ऐलान किया कौन है जो असर से मगरिब तक मेहनत करेगा उसको दो किरात मिलेंगे सही बुखारी की है। आपने फरमाया मेरी उम्मत खड़ी हुई असर से मगरिब का वक्त बहुत कम होता है लेकिन उजरत डबल है सबको एक एक किरात मिला हमको दो किरात मिल रहा है नबी ससरम फरमाते हैं अल्लाह तबारक ने इस तरीके से लोगों को अमल तकसीम किया यहूदों ना गजब नाक हुए कहा हमने मेहनत ज्यादा की है हमको मजदूरी कम मिली है अल्लाह तला कहेगा क्या मैंने तुम्हारा हक दबाया है मैंने ऐलान किया था तुल ये आफ्ताब से दोपहर तक जो मेहनत करेगा उसको एक की मिलेगा मेहनत की आपको एक की मिल गया नसारा को कहेगा दोपहर से लेकर असर तक एक ही रात का ऐलान हुआ था तुमने मेहनत किया मिल गया हाजा फजली ये मेरा फजल है मैं जिसे चाहूं मेरे भाइयों ये फजीलत किसको मिली उम्मत मोहम्मदिया को मिली ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा मेरे भाइयों अल्लाह का करम है लेकिन हम हम हैं कि सुधरने के लिए तैयार नहीं ये फजीलत ही नहीं मिलती है हमें उस कदर बेहतर बन के बताना पड़ेगा तो यह तो चंद बातें थी जुमा की तरफ रहनुमाई की गई प्यारे नबी ससम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने इससे पहली उम्मतों को जुमा से महरूम रखा यहूदियों ने सनीचर को पसंद किया नसरानियों ने इतवार को पसंद किया और अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जुमा की तरफ रहनुमाई की जुमा पहले आता हमारे कैलेंडर में भी पहले हफ्ता लिखते हैं गलत है इतवार लिखते गलत है हमारे नबी ने फरमाया जुमा से शुरू होता है जुमा पहला दिन है दूसरा दिन हफ्ता तीसरा दिन इतवार लेकिन चूंकि हम मुतासिर बहुत जल्दी हो जाते हैं लोगों से इसलिए हम भी इतवार से शुरू कर देते हैं हमारे कैलेंडर में भी जुमा से शुरू करो ये बेहतर तरीका है तो ये तो दुनियावी अभी बहुत सारी बातें हैं लेकिन इन्हीं बातों पर इक्तफा करता हूं फजीलत है प्यारे नबीलम फरमाते हैं मेरी उम्मत दुनिया में भी अफजल है आखरत में भी अफजल रहेगी नबी एक बार अपने साहबा के साथ बैठे हुए थे कहा मैं अपने भाइयों से मिलना चाहता हूं मेरी ख्वाहिश है मैं अपने भाइयों को देखूं साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम तो आपके भाई हैं कहा नहीं अंतुमा साहबी तुम मेरे साथी हो मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाद आएंगे मुझे देखेंगे नहीं लेकिन मेरे ऊपर ईमान लाएंगे हम और आप हैं मेरे भाइयों हमने अपने नबी को देखा है नहीं हमारे नबी ने कहा मैं अपने भाइयों को देखना चाहता हूं कयामत के दिन देखूंगा साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल कैसे पहचानेंगे कहा उनके वजू के आजाद चमक रहे होंगे वजू के आजा को देख कर मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरे उम्मती हैं मेरे भाइयों यहां भी फजीलत वहां भी फजीलत प्यारे नबी ससरम फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब मेरी उम्मत का लिया जाएगा दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं हिसाब सब सबसे पहले लिया जाएगा अल्लाह कहेगा कहे है, है उम्मी नबी की उम्मत बुलाओ उस नबी को और उसके उम्मतियों को मेरे भाइयों, बुलाया जाएगा सबसे पहले हमारा और आपका हिसाब व किताब होगा अंबिया के हक में यह उम्मत गवाही देगी नबी फरमाते हैं एक नबी को लाया जाएगा किसी के साथ एक किसी के साथ दो किसी के साथ कोई नहीं अल्लाह तला नबी से पूछेगा तुमने पैगाम पहुंचाया कहेगा हाँ अल्लाह लेकिन उम्मत इनकार कर देगी अल्लाह तला नबी से पूछेगा तुम्हारे पास कोई गवाह है कहेगा हाँ कहा कौन कहा अल्लाह के रसूल के उम्मती अल्लाह खबाह हम अपने गुजरे हुए उम्मतियों के तल्लुक से उनके नबी के हथ में गवाह देंगे अल्लाह कहेगा तुम्हें मालूम कैसे तुम तो बाद में आए थे तो उम्मत मोहम्मदियाँ कहेगी अल्लाह हमारे नबी ने बताया था कि दुनिया में जितने नबी आए सब सच्चे थे हमने कलाम तेरे कलाम में यह बात पढ़ी थी वो गजा जालना इसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत बताया ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह बनो रसूल शहीदा और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह बने तो इस तरीके से अंबिया के हक में यह उम्मत गवाही देसरात पर अल्लाह के नबी फुलसरात रखा जाएगा सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती उस पर से गुजरेंगे जन्नत में सबसे ज्यादा जाने वाले यही लोग होंगे एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम ये चाहते हो कि एक चौथाई जन्नत हमें मिले और तीन में पूरी उम्मतें रहें साहबा ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह ने कहा अल्लाह के नबी ने कहा दो तिहाई एक तिहाई साहबा ने कहा अल्लाह अकबर फिर वो हदीस भी सुन लीजिए प्यारे नबीम फरमाते हैं जन्नत में जाने के लिए लोगों की 120 सौ लगेंगी कितना 120 120 एक कतारें लगेंगी जिसमें से 80 कतारें किसकी होंगी उम्मत मोहम्मदिया की टू थर्ड दो तिहाई जन्नत में कौन जाएंगे उम्मत मोहम्मदिया ये है फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मतें पेश की गई लंबी हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी उम्मत को देखा कहा अल्लाह के रसूल ये आपके उम्मती हैं कहा गया कि इसके अलावा सत्तर हजार लोग हैं जो बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में जाएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बता करके चले गए सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो कौन होंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले सहाबा ने पूछा किए अल्लाह के रसूल वो कौन होंगे आप असरों ने फरमाया कि वकून वयर सत्तर हजार लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे वो तीन सिफात नबी ने बयान की ला यरकोन वो रुकिया नहीं करते होंगे वला यशतरकून रुकिया कराते नहीं होंगे वो या तो अल्लाह पर भरोसा करते होंगे मालूम यह हुआ कि रुकिया करना कराना या अल्लाह ताला पर भरोसा ना करना ऐसे लोग वो सत्तर हजार में शामिल नहीं हो सकते रुकिया करना कराना जायज है लेकिन ईमान का तकाजा है उससे बढ़कर कि अल्लाह पर भरोसा किया जाए हम रुकिया के खिलाफ नहीं है लेकिन ईमान उससे बढ़कर है अपने ईमान की हिफाजत कीजिए अपने आप को उन सत्तर हजार में शामिल कीजिए प्यारे नबी ने एक और हदीस में फरमाया हर सत्तर हर एक हजार के साथ मजीद सत्तर हजार चार अरब नब्बे करोड़ लोग उम्मत मोहम्मदिया के चार अरब नब्बे करोड़ लोग बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे और आगे सुनिए प्यारे नबी फरमाते हैं इतना सब कुछ होने के बाद अल्लाह ताला तीन चुल्लू और डाल देगा अल्लाह अगर हम वो चुल्लू में भी आ गए तो बड़े खुशनसीब हैं अल्लाह का चुल्लू कितना बड़ा होगा मेरे भाइयों तो ये सारी बातें थी जो उम्मत मोहम्मदिया के फज़ाइल के बहुत सारी बातें इस सिलसिले में हैं लेकिन जुमा का मुख्तसर वक्त इस बात का मुतहमिल नहीं है कि शर वबस्त के साथ गुफ्तू की जाए बहरहाल जो भी बातें हुई हैं अगर इसी पर अमल कर लिया जाए तो काफ़ी है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तोफ़ी इनायत फरमाए अल्लाह हम सबको खैर उम्मत बनाए नबी के उम्मत के जो फ़जाइल हैं अल्लाह ताली हम सब को उन फ़जाइल से माला माल फरमाए आमीन